guys to the Josie's Railway Museum. तो ये कहानी है भाऊ साहब जोशी के जीवन भर के प्रयास और लगाव से बनाई हुई इस छोटी सी दुनिया की, जो आकार में वास्तविक दुनिया से 1 से 87 इस अनुपात में छोटी है। मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो बचपन में अगर आपने थॉमस एंड फ्रेंड्स वो कार्टून देखा हो, समझ लो वो टीवी से निकलकर सीधा आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। हमारी ग्रीन लाइट चल चुकी है, अब चलते हैं म्यूजियम में ऊपर। छोटे से शहर को बनाने में बारीकियों का बहुत ध्यान रखा गया है। ट्रेन से जुड़ी हर एक जानकारी आपको करीब से दिखाई गई है, जैसे स्टीम इंजन का टर्निंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि स्टीम इंजन रिवर्स नहीं चल सकते थे। स्टेशन के पास ही बना हुआ है कोयले का डंपिंग यार्ड, इंजन वहीं से कोयला भर के अपनी यात्रा शुरू करते थे। अब इस शहर में सिर्फ ट्रेन्स नहीं बल्कि रोपवे जैसे यातायात की ढेर सारी चीजें दिखाई गई है। आपको एक सीन फायर ब्रिगेड का देखने को मिलेगा, जहां पे अग्निशमन की एक छोटी सी गाड़ी बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने जा रही है। जानकारी के साथ साथ अगर मनोरंजन का दिल करे तो यहां सर्कस भी मौजूद है, जहां पर अलग अलग करतब दिखाए जा रहे हैं। चालीस मिनट का ये शो इतना एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है, वक्त कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो बड़ा मजा आया यहाँ पे आके, आप भी आना, आपको भी जरूर यहाँ पे मजा आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक और कमेंट तो आप कर दोगे, लेकिन ये वीडियो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो पुणे आने का या घूमने का प्लान बना रहे हो। और अगर आप वीकेंड का कोई प्लान बना रहे हो तो जोशी जी के इस ट्रेन म्यूजियम में आने का प्लान जरूर से बनाना। तो ये थी आज की कहानी जोशी जी के ट्रेन म्यूजियम से। अब मैं तो चला जोशी जी की स्वागत एक्सप्रेस में बैठ के अपनी मंजिल की तरफ। तो मिलते हैं अगले स्टेशन पे, सॉरी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो गाइस, दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शोर।